बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी अनबॉक्सिंग है एप्सन का प्रिंटर LX 350। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ओपनिंग। ओल्ड मॉडल एप्सन का प्रिंटर है, इजीली मार्केट में शायद अवेलेबल ना हो, आउट ऑफ स्टॉक रहता है ये। इसकी बॉक्स में आती है CD, इसका इंट्रोडक्टरी बुक, इसकी इंस्टॉलेशन का how to install it, I will share this page with the details। इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, बाकी इसके अंदर वारंटी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी भी ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक ये रिबन, ये इसका इंक जेट है, ये है इसका स्टैंड। Let's get open that। ये इसकी लेग्स लेग बाय स्टैंड्स हैं। ओके जी, ये प्रिंटर ज्यादातर इनवाइसेस के लिए और कुछ और मशीन्स के साथ कनेक्ट करने के लिए भी यूज होता है, जैसे कि हमने मंगवाया है इसको, एक वेट मशीन है हमारे पास उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं जी इसके प्रिंटर की सेटिंग्स। यहाँ पे हम इस के रिबन की सेटिंग्स करेंगे, बाकी यहाँ पे हम पेज वगैरह लगाएंगे जहाँ पे इस ट्रे के अंदर। इसके अंदर अगर आप देखें, इसका जो फ्रंट लुक है, फ्रंट लुक में आपको मिलते हैं मेजर बटन्स, जिसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स हो सकती हैं। ओके जी, आई गेस यू कैन सी दिस। ओके, अब देखते हैं जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी पोर्ट्स, जो कि इसकी बिल्कुल नीचे की तरफ से आती हैं। क्लोज दिस। ओके, जब आप इसको बिल्कुल उठाएंगे ऊपर तो आपको इसके नीचे जो है वो दो पोर्ट्स नजर आएंगी, ठीक है, पैरेलल और सीरियल पोर्ट्स हैं इसके अंदर। और ये इसके अंदर एडजस्टर्स हैं जो कि इसके पेजेस को एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर जो इसका बटन है, इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं कि ये कैसे लगेगा। रिमूव इट केयरफुली एंड देन फर्स्ट प्लेस इट। इसके अंदर यहाँ पे जो एक होल बना हुआ होगा, इस होल के नीचे होल के मुताबिक यहाँ पे एक स्ट्रोक बना हुआ है, उसके अंदर आप इसको रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके रिबन को केयरफुली इसके हेड के अंदर मूव करना है तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। वहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसकी लेफ्ट साइड पे एक नॉब है, उसको आप ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे तो ये रिबन टाइट हो जाएगा। उसके बाद दैट्स इट। यहाँ पे आप पेपर लगाएंगे, पेपर की एडजस्टमेंट करेंगे अपने हिसाब से, जिस साइज का भी पेपर होगा आपके पास आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर ये पेज है तो मैं इसके मुताबिक इसकी सेटिंग करूँगा। मोस्टली हमारे पास किसी साइज के पेजेस होते हैं जिनके ऊपर हम वेट मशीन की स्लिप्स वगैरह जो है वो प्रिंट आउट करते हैं। यहाँ इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, इसको पावर ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको कनेक्ट कर लेगा। अदरवाइज आप इसको इस रोलर के साथ इसके अंदर मजीद एडजस्ट भी कर सकते हैं पेज को, पेज की लेंथ कहाँ तक जाए। बाकी यहाँ पे मल्टीपल पेजेस की ऑप्शन है और इट्स अ गुड प्रिंटर फॉर स्मॉल यूज। स्मॉल यूज से मुराद ये है कि इसके अंदर बाकी A4 की प्रिंटिंग और इस तरह की प्रिंटिंग ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इनवॉइस पेजेस के लिए ये बहुत अच्छा है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, प्रिंटर बहुत अच्छा है। मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा था काफ़ी अर्से से, लेकिन उसके अंदर कुछ पावर की इश्यूज आ रहे थे तो हमने इसको रिप्लेस किया है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ट्यून विद मी। थैंक यू।